मज़ेदार मसालेदार मसालेदार खुशबू आ रही है, खास तौर पे गोश्त की जो खुशबू है ना वो चावलों में आपको फील होती है। अब्दुल्रहीम भाई नहीं जाए, नहीं खिलाएंगे आपको, नहीं खिलाएंगे, वो बड़े लड़कों को नहीं खिलाते, वो कहते हैं बच्चे कह रहे हैं। अल्लाहु 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 अल्लाह है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु अल्लाहु देखें भाई, जुम्मा हो और बिरयानी ना हो ये तो हो नहीं सकता। और बिरयानी की भी बात की जाए तो कराची की बिरयानी ये चीज़ें जो है ना मक्का में सुनने को मिलती हैं आपको। और ख़ास तौर पे बिरयानी हो तो बिरयानी भी सबसे पहले या तो कराची बिरयानी का नाम आता है या फिर हैदराबादी बिरयानी का नाम। तो आज हम लोग बिरयानी खाने जा रहे हैं कराची और हैदराबादी। मक्का की पुरानी सारी वाइब्स आ गई हैं माशाल्लाह, और ज्यादा रश हो गया है यार, रौनक ही रौनक है माशाल्लाह मक्का में। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक खूबसूरत नए ब्लॉग में खुश आमदीद। आज जुमा पढ़ने के लिए जब मैं जा रहा था, बड़ा जल्दी में था, तो मैंने जो है ना खुशबू नहीं लगाई थी, तो अभी आज ये खुशबू लगा रहा हूँ, मर्च मेरा फेवरेट अहमद परफ्यूम का। अभी हमारे अब्दुल्रहीम भाई को हम लोग पिक करते हैं। अब्दुल्रहीम भाई ने भी मस्जिद हराम में जुमा पढ़ा है और मैंने भी, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, उससे पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था। सीढ़ियां उतर रहे हैं भाई साहब, क्या बात है। आइए सर, आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए सर। टाइम से आए हो नहीं है? बिल्कुल, बिरयानी की बात है, बिरयानी की बात है इसलिए। आइए सर, आइए। नहीं नहीं आज मूड है यार, मूड है। वाह यार, यार अब्दुल भाई। जी सर। तबीयत ठीक है? क्यों खैरियत? इतने अच्छे कैसे बन गए? खाने दोगे ना इसी वजह से? अच्छा, और मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। दो यार गिफ्ट पहले दो। जज़ाकअल्लाहु खैरन, दाएं हाथ से भाई, दाएं हाथ से गिफ्ट देना और लेना चाहिए। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। यार अब्दुल्रहीम भाई, आपने भी मस्जिदुल हराम में जुमा पढ़ा है, मैंने भी मस्जिदुल हराम में जुमा पढ़ा है, और रश बड़ा जबरदस्त था। किंग अब्दुल्ला वाली एक्सटेंशन की तरफ बड़ा जबरदस्त काम हो रहा था, हेलीपैड बना रहे थे, दो हेलीपैड बन रहे हैं माशाल्लाह। वो पता नहीं को हेल्थ के लिए होंगे या किस चीज के लिए। आपने किधर जुमा पढ़ा, आप बताएं। मैंने पढ़ा है मरवा वाली साइड पे। अच्छा, क्योंकि मरवा वाली साइड वो है जहाँ से जाता हूँ। अच्छा, और वर्क भी हरम के साथ ही करता हूँ, तो मेरे पास कार्ड वगैरह मुझे जाने देते हैं, आपको तो नहीं जाने देते। वर्क परमिट का फायदा उठाते हैं भाई। खैर, मरवा वाली साइड वो है जहाँ पर सफा मरवा है ना, उमरा ख़त्म करते हैं तो मरवा आता है एंड पे, वो वाली जगह है मरवा वाली साइड। और हम दोनों का घर इसी तरफ से ही है, सफा मरवा वाली साइड से। और हमारे हमारे घर की तरफ क्या, देखो खुद बोल रहा है साथ में ही है घर, एक साइड पे है, लेकिन दो दो तीन तीन हफ्ते नजर ही नहीं आते। मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। नहीं इधर भी हो तो नजर नहीं यार, कल रात को मैं बुला रहा था, नहीं है। खैर, मरवा वाली साइड से रहने की एक निस्बत ये है, बड़ी मज़ेदार बड़ी ज़बरदस्त, वो ये कि कबीला बनो हाशिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला भी इसी साइड से रहता था। भैया तेरी मेरी बिरयानी है अलमुअल्लफीन स्ट्रीट अजीज़िया जद्दा में, ये सामने है। और तेरी मेरी का कॉन्सेप्ट ये है कि इंडियन हैदराबादी बिरयानी और कराची बिरयानी एक साथ एक ही रूफ के नीचे, आपको जो भी बिरयानी चाहिए वो साथ में ले सकते हैं, आप इकट्ठी भी ले सकते हैं, मिक्स भी ले सकते हैं। देखें भाई, यहाँ पर तेरी मेरी के पास थोड़ा सा पार्किंग का इशू था, तो इसीलिए एक तेरी मेरी बिरयानी के एम्प्लॉय आपको बाहर यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर रब्ता करके पहले से ऑर्डर कर दें, आपको बाहर गाड़ी में ही आपकी बिरयानी दे देंगे, तो आप वहीं से लेके अगर जाना चाहें तो चले जाएँ। यहाँ पर डाइनिंग का ऑप्शन भी है। देखें भाई, उस तरफ है खाना खजाना, इस तरफ है शादाब रेस्टोरेंट, और ये वाली आपकी रोड आ रही है फ्लामिंगो मॉल से, एक इशारा क्रॉस करने के बाद यहाँ पर है ये तेरी मेरी बिरयानी। तो देखें फरीद भाई, कितना माँ बेटे प्यार से सो रहे हैं। सही बात है, या बाप बेटा भी हो सकता है, क्या कहते हैं? आपका तजुर्बा ज्यादा है इस मामले में। मुझे तो माँ और बेटा लग रहा है, क्योंकि फिलहाल भूख लगी है, भूख के मामले में और कुछ नहीं देखना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, कैसे हैं? सब ठीक ठीक ठाक, मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है मेरी बिरयानी रख दी आप लोगों ने? आपकी बिरयानी तो हो गई सर, मजे कस्टमर्स के लिए है नहीं? नहीं अभी तो ख़त्म हो गई, अभी तो बाद नमाज़ जुमा एक घंटे में सारी बिरयानी ख़त्म हो गई।
यार ये बहुत ज्यादा आप लोगों की शिकायत है, हर कोई लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे कि आप लोग बिरयानी दुकान खोल ली बिरयानी नहीं देते। हम लोग बिरयानी डबल बनाते हैं, जुमे के दिन तो सुबह के टाइम भी डबल बनाते हैं, शाम के टाइम भी डबल बनाते हैं बिरयानी। तो एक सुबह मतलब जोहर के फौरन बाद, जोहर के फौरन बाद, जुमे के फौरन बाद से लेके एक सवा एक घंटे में खत्म हो जाती है बिरयानी हमारे पास। तो आप लोग क्यों हमेशा, हमारी तो बात मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बिरयानी के प्रोसेस में 2 घंटे लगते हैं। अब हर जगह पे लोग ऐसे करते हैं कि जो बिरयानी की जो अखनी रहती है ना, चिकन और मटन की, उसको अलहदा बना लेते हैं, चावल दम से अलग निकाल लेते हैं, तो दोनों को मिक्स करके आपको दे देते हैं बिरयानी। हमारे पास वैसी बिरयानी नहीं मिलती है, हमारे दोनों एक ही जगह टेंडर होके एक ही साथ ही पक के निकलता है। प्रॉपर ऑथेंटिक हैदराबादी प्रोसेस, और कराची वाला भी प्रॉपर जो प्रोसेस है वैसे ही बनता है। ठीक ठीक ठीक, गोश्त खाने के साथ ही बनता है हमारे पास। अगर गरम गरम बिरयानी लेनी हो आपसे, किस टाइम पे आ जाना चाहिए आपके पास? बाद नमाज जोहर कोई भी देना, बाद नमाज जोहर से लेके आ जाइए, आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह मगरिब के बाद से आ जाइए, शाम में मगरिब के बाद से 10 बजे तक, शाम के टाइम पे मगरिब से 10 बजे तक चारों अवेलेबल रहती है बिरयानी। ठीक है, तो यहाँ पर देख खोलते हैं भाई, जोहर के फौरन बाद और मगरिब के फौरन बाद बिरयानी की। लेकिन ये है कि टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इस वजह से यहाँ पर अक्सर बिरयानी जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं यार क्या करें, हम लोग टेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ देखते रहो, भूख से भाई से बोला नहीं जा रहा इस टाइम। मेरे आँखों में आंसू आ गए भूख की वजह से, अब कैसे आए मुझे नहीं पता, मुझे आते हैं, भूख लगी हो ना तो आंसू आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। लाएँ सर, ये देखें भाई, ये है कराची मटन बिरयानी, हैदराबादी मटन बिरयानी, हैदराबादी चिकन बिरयानी, कराची चिकन बिरयानी, यहाँ पर नूडल्स, चिकन नूडल्स, और ये चिकन फ्राइड राइस, और इस तरफ 65, और ये 65 बना दिया भाई। और इस तरफ है बड़ी स्पेशल चीज़ हलीम, ये अभी इन्होंने जो है ना लॉन्च की है, हैदराबादी हलीम है ना, प्रॉपर हैदराबादी हलीम इन्होंने अभी जो है ना निकाली है, लेकिन सिर्फ आपको जुमेरात और जुम्मा को मिलेगा। और ये रुमाली रोटी, ये हमारा लिया रुमाली रोटी, अच्छा तो हम ऐसे ही खा लेते हैं भाई, रोटी के साथ नहीं। हमारी हलीम थोड़ा सा मसाले वाली होती है, तो रोटी के साथ बिल्कुल मुलायम, हलीम ज़बरदस्त है। ऊपर क्या देसी घी डालो, देसी घी डालो, वाह। बिरयानी से मैं दूर ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता। हाँ ठीक है, वो भाई को ज़्यादा डाल दें, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं यार, हलीम मज़ेदार है। ये आ गया चिकन के पीस, वाह 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 वाह। ये भैया हमारी हैदराबादी चिकन बिरयानी, इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। चिकन बिरयानी दें भाई, ये है चिकन बिरयानी हैदराबादी, बहुत मज़ेदार। और इसके ऊपर इसका एक्स्ट्राज डाल लें, ये देखें ये वाला इनका ना, इसको क्या भाजी बोलते हैं, मिर्ची का सालन। अच्छा, ये जो ग्रेवी साथ में देते हैं इसको कहते हैं मिर्ची का सालन, और इसके साथ ट्राई करने लगे हैं। वैसे ही हैदराबादी बिरयानी जो है ना, अब्दुल्लाह भाई खाने पर जोर नहीं देना, बताना भी है जी, बहुत ज़बरदस्त। अभी आने वाली है कराची बिरयानी ना जी, हाँ रख देना इधर। देखें कराची चिकन बिरयानी के साथ आपको आलू भी मिलता है, साथ में चिकन है, और ये चावल इसके निकालें, लें सर आप भी लें। ये देखें ये चिकन का थोड़ा सा ब्रेस्ट वाला पीस आया, ये आलू है साथ में। ये हमेशा हम लोग रोटी के साथ खाते हैं, रोटी के अलावा इसका अपना ही मज़ा है, हलीम का बहुत ज़्यादा मज़ा है, और बिरयानी के साथ भी आप नोश फरमा सकते हैं। चिकन बिरयानी जो है ना कराची वाली, बहुत मज़ेदार, और साथ में अभी मैंने हलीम खाया है, तो इसका जायका जो है बड़ा ज़बरदस्त, मुझे ना मिक्स होके बड़ा मसालेदार और बड़ी खुशबू आई है। जो कराची बिरयानी है ना, ये ख़ुद में थोड़ी सी तीखी है, इसमें ना थोड़े से स्पाइसेस आपको फील होते हैं। अब आने वाली है मटन बिरयानी, बस ज़्यादा गोश्त मत डालो बस। तो ये देखें भैया, ये कराची मटन बिरयानी, ख़ास तौर पे गोश्त को देखें, मटन जो भी है डाल, बड़ा ज़बरदस्त लाल हुआ हुआ है गोश्त, और मसाले ऊपर ही नज़र आ रहे हैं। जो कराची मटन बिरयानी है उसमें आलू नहीं होता, तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ के हम कराची मटन बिरयानी सबसे पहले ट्राई करने जा रहे हैं मटन में से। मज़ेदार, मसालेदार, मसालेदार, खुशबू आ रही है, खास तौर पे गोश्त की जो खुशबू है ना वो चावलों में आपको फील होती है। और आप आलू का पूछ रहे हो कि आलू है, आलू ने आलू की जरूरत है इसमें, हाथ में हलीम चलती जाए आपकी। हम बिरयानी के साथ रायता खाते थे, अब हलीम नया काम हो गया है।
ये ले सकता हूँ मैं? नहीं ले सकते, लेकिन मैंने वो हैदराबादी खानी है। ये मैं ले सकता हूँ? नहीं ले सकते, लेकिन ले लें। ओके थैंक यू। कलर बात है यार, ये देखें, ये देखें भाई, पसली वाला गोश्त। अंदर से कलर देखें, खूबसूरत पिंकिश कलर है गोश्त का, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। वैसे मैंने ये बोटी उठाई थी अब्दुलरहीम भाई को देने के लिए कि मैं हैदराबादी की तरफ जाऊँ, ये पसली वाली बोटी देख के मैं रुक गया। आप इधर मत आना। बकरे ऐसे लग रहे हैं जैसे घर के हो। घर के हैं बकरे? घर वाला तो होता ही बकरा है वैसे भी, बिल्कुल है ना, घर वाला बकरा ही होता है ना। वो बोलते हैं ना, जब मर्जी काट लो। वो बोलते हैं मर्द जो होता है ना वो मिर्च की तरह तेज होता है। अच्छा, लेकिन मर्द जितना भी तेज हो औरत उसका अचार डाल देती है। क्या बात है, ऐसी हिकमत वाली बातें आपको अब्दुलरहीम भाई से नहीं सुनने को मिलती। उल्टा उल्टा मिलती है। अब जनाब आला हैदराबादी मटन बिरयानी सब होने लगी। ये जनाब आला आ गई हमारी मटन हैदराबादी, और ये भी देखें मटन आपका अंदर से जो है ना डार्क नहीं है। सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि मटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखें डार्क नहीं है। इसके रेशे बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे रेशे हैं। यार आप मेरे से चीज़ उठाते हो, मुझे लगता है कोई बोटी वोटी उठाने लगे हो। अब अपने सामने से खाओ ना यार। यार वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, मैं आपका नसीब, लेकिन इधर से नहीं उठा। अरे मटन हैदराबादी बिरयानी, हमारी लड़ाई चलती रहेगी उसकी, खैर है। चिकन पे तो लड़ाई नहीं हुई थी। अब मोहब्बत एक बार दिखाई जाती है, बार बार थोड़ी। हैदराबादी बिरयानी, मटन हैदराबादी बिरयानी, उफ नेक्स्ट लेवल। कैसा है अब्दुल? बहुत ज़बरदस्त। अभी तक तो इस पर ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली, ये देखें, ये अगर आप इस पर डाल दें दोबारा हो जाए। थोड़ा सा रायता इस पे आने दे। ये भी आने दे, कोई बात नहीं। बहुत ज़बरदस्त मटन हैदराबादी, मेरी पिक नंबर वन जो है मटन हैदराबादी। आपकी नंबर वन पिक कौन सी है मुझे ये बता दें। आपकी कौन सी आँख अच्छी है, लेफ्ट वाली या राइट वाली, कौन सी प्यारी आप? मेरी दोनों आँखें अच्छी हैं। वही हिसाब किताब। अच्छा, दोनों आपके आए हैं कराची हो या हैदराबादी? कराची का वाकई अपना मज़ा है, लेकिन कराची चिकन जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और मटन भी कोई कमी नहीं थी मटन में भी। लेकिन मटन को अगर मटन से कंपेयर किया जाए तो फिर भाई हैदराबादी मटन बिरयानी नेक्स्ट लेवल है। वालेकुम अस्सलाम, आइए सर, आप बड़े हम जवान, कैसे हैं? ठीक हो बेटा? क्या नूर भाई, कैसे आप? खुश हैं, मज़े में? हमारे नूर भाई आ गए हैं, नूर भाई की ज़्यारत करवा दीजिएगा थोड़ा सा। और नूर भाई के आने की खुशी में हम लोग चाइनीज़ ट्राई करने जा रहे हैं अभी, चिकन फ्राइड राइस। बस लें भैया, चाइनीज़ आइटम्स आ गई हमारे पास, हमारे भाई के पास जा रही हैं, लेकिन आप इधर फोकस कर लीजिएगा। ये हमारे हैं जनाब आला 65 चिकन, 65 स्पाइसी चिकन, 65 बहुत मज़ेदार हैं यार। अब्दुल भाई 65 आपने नहीं ट्राई किया, करें ज़रा ट्राई, देखें फिर क्या स्पाइसी मज़ेदार खुशबूदार। 65 बीजे थे ना, मैंने उठा लिया कुछ। आया कैसा लगा? बहुत था। एक चेयर लो उधर से। और ये हैं जनाब आला चिकन रोस्टेड राइस, इसमें आपको पता है चाइनीज में एग वगैरह डाला होता है। और यहाँ के फेवरेट हैं ये नूडल्स, ये राइस के नूडल्स हैं ना, ये बारीक वाले राइस के नूडल्स आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। जो लोग चाइनीज़ पसंद करते हैं ये उनकी चीज़ है। नूडल्स बहुत ज़बरदस्त है। एंड आप नूडल्स भी हाथ से? मेरे हाथ में ही मज़ा है ना। हाँ ये तो ऐसा है कि आपके हाथ में। कैसे हैं नूडल्स? कैसे हैं नूडल्स? नेक्स्ट लेवल है यार, लेकिन माने हर चीज़ तब। और ये जो 65 है ना, मैंने आज तक इससे अच्छी 65 नहीं खाई। खाएँगे भी आज तक। देखें भाई यहाँ पर हमारी खीर आ चुकी है। ये कौन सी, कद्दू की खीर है नूर भाई? कद्दू की खीर। कद्दू की खीर जी। ये क्या हैदराबाद में फेमस है, ये क्या बात है इसकी? शादाब हैदराबाद में फेमस है ना? हाँ बहुत फेमस है। चले रेहान अब्दुल भाई, यू वांट स्वीट? बिस्मिल्लाह यार। ये नूर भाई कहें ना, ये आप ले। अच्छा यार इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, कद्दू है और क्या डाला हुआ है? सेवैया? साबुदाना डाला। वेरी गुड। हाँ हाँ बहुत मज़ा आया आज़म भाई, शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अब आप ये बताएं, लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, आपने वीडियो बनाई थी, हमने बाय वन गेट वन का ऑफर लगाया था। अभी 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 क्या अभी इंशाल्लाह 15% का ऑफर लगाएंगे। कितने दिन के लिए रहेगा? पूरा साल लगा दे। नहीं ऐसे तो फिर हो जाएगा।
आपको तेरी मेरी बिरयानी पे मिलेगा 15% दबा के खाना है जाना है हाँ पूरे बिल पे 15% फिर नहीं कहना कि खाली बिरयानी पे चले भाई पूरी बिल पे 15% पूरे बिल पे 15% शाही टुकड़ा भी रहेगा शाही टुकड़ा भी रहेगा अभी ये वापस भूख लगवा रहे हैं एक एक करके बता रहे हैं सूप उधर एक भाई है इशारे कर रहे हैं सूप फिर दूसरे भाई साहब पहले खाई बिरयानी मजेदार हमारा देसी टेस्ट उसके बाद फिर स्पाइस का तड़का लगा हमारा चाइनीज के साथ और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाई कद्दू की खीर क्या बात है मीठे के साथ समाप्त किया और अब अब्दुलरहीम भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि डिग्गी खोल दें देखें भाई आप जद्दा अजीजिया में हैं और आपको ये पाकिस्तानी माहौल ना मिले ये हो नहीं सकता अब्दुलरहीम भाई क्रिकेट खिलाएंगे आपको अब्दुलरहीम भाई नहीं जाए नहीं खिलाएंगे आपको नहीं खिलाएंगे वो बड़े लड़कों को नहीं खिलाते हो कहते हैं बच्चे खेल रहे हैं बड़े जी हाँ आप अंकल हैं आपको महसूस नहीं हुआ आप अंकल हो गए हैं दादा भी होने वाले होगी कोई 45-46 और कितनी 22 डबल करके और मेरी बात सुने उम्र जो होती है ना वो दिल से होती है इसी वजह से 22 डबल करके वो देखे कितनी फास्ट बॉलिंग करा रहा है भाई मैंने आपको YouTube पे देखा है मुझे YouTube पे देखा मेरा नाम बताएं अब्दुल मारिक फ्री अकेले आइसक्रीम खा रहे हो देखो आइसक्रीम छीन लेगा अंकल आप बस इसको बचा के भाग भाग के ले जाओ ठीक है आप व्लॉग में आ गए हो फिर ओए देखें भाई ओए होए 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 बॉल ढोने वाला था लेकिन छक्का हो गया ये रन आउट हो गए यार आपने छक्का अच्छा मारा था रन आउट हो गए नहीं यार मैंने कहा मैं आपसे मिलना था मैं जल्दी आ अच्छा कैसे ठीक ठाक है यार ये बच्चा तंग कर रहा है कहता है मैंने दो बॉलें खेलनी वालेकुम सलाम यार आपके रन आउट ने इनको आउट करवा दिया नहीं मैं तो भाई मिलने के लिए मैं कहा जल्दी मैंने देखा मैं शायद लगता है ओ तेरी खैर हो जाए उस्ताजी बाल गुम करनी हूँ ले भाई अब्दुलरहीम भाई को बारी मिल गई है देखें अब्दुलरहीम भाई नाक ना कटवा देना भाई चलो ये 12th मैन नहीं है ये ओपनर है हाँ देखते हैं ये क्या करता है छक्का देखो देखो अपनी टीम को जितवाएगा नहीं देखें पहली शॉट ही इसने जबरदस्त कवर पे खेली है वाइट ओ ये हथौड़ा सिंह है देखें भाई तेरी मेरी बिरयानी पे आपको 15% ऑफ मिलेगा पूरे मेन्यू पे 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरा एक वीक तो आप जाके वहाँ पर चाइनीज़ भी ट्राई कर सकते हैं और बिरयानी तो ख़ास तौर पे आप लोगों को सबको पता है जो भी अजीज़िया में रहते हैं कि तेरी मेरी की बिरयानी कैसी है बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक कराची और हैदराबादी बिरयानी आप वहाँ पर जाके खाएं इंजॉय करें मेरा नाम बताने पे आपको वहाँ पर 15% ऑफ मिलेगा